कोसी कला के विद्युत विभाग में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली घर की व्यवस्था चरमरा गई है। जूनियर इंजीनियर एक कर्मचारी से शिकायत निपटा रहे, लेकिन नगरवासी हड़ताल होने के कारण परेशान हैं। कोसीकला विद्युत सब स्टेशन पर विद्युत संविदा कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद विद्युत विभाग की व्यवस्था चरमरा गई है। एक सरकारी कर्मचारी तैनात होने के कारण आने वाली समस्याओं की शिकायत प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विद्युत विभाग के 21 संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद अधिकारियों को विद्युत व्यवस्था खुद संभालनी पड़ रही है। लखनऊ में चल रहा धरना उग्र होता जा रहा है। विद्युत संविदा कर्मचारियों की मांगों की माने तो प्रति माह मिलने वाली सैलरी के बीच में बैठे बिचौलिया को अलग कर सैलरी उनके खाते में डाली जाए, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिल सके। एक कर्मचारी के सहारे से ही विद्युत विभाग की शिकायतें निस्तारण कराई जा रही हैं, जिसकी वजह से विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर अशोक कुमार यादव के सामने काफी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। प्रतिदिन अपनी जेब से पैसा खर्च कर प्राइवेट कर्मचारियों के माध्यम से सरकारी कर्मचारी लाइनमैन दिनेश के साथ मिलकर शिकायतों को पूरा किया जा रहा है, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से उपलब्ध की जा सके। इस संबंध में जूनियर इंजीनियर अशोक यादव ने जानकारी दी। इस समय सारे संविदा कर्मी अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, कुछ मांगे हैं उनको लेकर सभी लखनऊ इनको गार्डन में गए हुए हैं और वहीं पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दिनांक 6 तारीख को यहां से बिजली घर से निकल गए थे, जिनका 7 तारीख से प्रस्तावित धरना जो अनिश्चितकालीन के लिए बना हुआ है। और यहां सब स्टेशन पर संविदा कर्मी न होने से समस्याएँ आ रही हैं। जो उपभोक्ता हैं वो तो कंप्लेन सीधे बिजली घर पर करते हैं, उनको समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए हम त्वरित रूप से अपने एक सरकारी लाइनमैन दिनेश के साथ एक प्राइवेट लड़का हायर कर रखा है, जिसको परमानेंट दिनेश के साथ लगा रखा है, क्योंकि वो लड़का अनट्रेंड है, इसलिए दिनेश हमारा लाइनमैन उसके साथ लेकर काम कर रहा है। जैसे जैसे उपभोक्ताओं की शिकायतें आ जा रही हैं, उनको समयबद्ध, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।